नमस्ते वॉरियर्स, स्वागत है आपका स्टैंड फॉर एस की इस वीडियो में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ये जाना कि पेट के जीवाणु कहीं ना कहीं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या हम इन पेट के जीवाणुओं को मार सकते हैं या तो मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कम हो जाए? तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आइए देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि इस टॉपिक के बारे में हमने अब तक पिछले वीडियोस से क्या क्या जाना है। सबसे पहली बात, पेट के जीवाणु एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कहीं ना कहीं डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर्स में पेट के जीवाणु नॉर्मल लोगों के मात्रा में थोड़े अलग होते हैं। तीसरी बात, काफी सारी वॉरियर्स में गट ज्यादा परमिएबल होता है या लीकी होता है। मैं वापस कहना चाहूंगा एक चीज जो मैंने पिछले वीडियोस में भी कही थी कि ये एक हाइपोथीसिस है, अभी तक पूरी तरह से प्रूव्ड नहीं है। इस हाइपोथीसिस के हिसाब से जो अंतड़ी है, अंतड़ी की अंदर की लेयर होती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर्स में, वो लीकी होती है। लीकी का मतलब ये है कि जो ये बैक्टीरिया है, जीवाणु है पेट के, वो और उनके जो केमिकल्स है वो इजीली पेट को क्रॉस करके ब्लड में पहुंच जाते हैं या पेट के अंदर की तरफ पहुंच जाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया इजीली क्रॉस करते हैं, उनके केमिकल्स क्रॉस करते हैं, वो कहीं ना कहीं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का प्रोसेस ट्रिगर करते हैं। तो अगर ये सब कुछ है तो हम लोग इन जीवाणुओं के बारे में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसके वजह से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रोसेस कम हो और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंट्रोल में आ जाए? तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है? एक, ये एंटीबायोटिक्स से क्या होता है, तो एंटीबायोटिक्स से ये पेट के जीवाणु मर सकते हैं। सेकेंड, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक, इनसे क्या होता है, तो जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करने वाले जो प्रॉब्लमेटिक बैक्टीरिया है वो अच्छे बैक्टीरिया से रिप्लेस हो सकते हैं। तीसरा है डायट्री मैनिपुलेशन, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि डाइट के जरिए हम लोग इन जीवाणुओं को मॉडिफाई कर सकते हैं क्या। और लास्टली फीकल ट्रांसप्लांट, ये भी हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे कि इससे भी कहीं ये जीवाणु हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, जिससे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंट्रोल में आ जाए। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो ऑप्शंस देखे, इसमें से एंटीबायोटिक, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, क्या इनसे हमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में फायदा हो सकता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक, जैसा आप सब जानते हैं, एंटीबायोटिक जीवाणुओं को मारने के लिए यूज की जाती है दवा। एक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन करके एंटीबायोटिक है जिसकी स्टडी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हो चुकी है। इसके रिजल्ट्स अच्छे थे, लेकिन ये एक ही स्टडी ऐसे हुई है, कम ड्यूरेशन की स्टडी थी, और इसके आगे जाके और कुछ स्टडीज हुई नहीं ये कंफर्म करने के लिए। तो एक स्टडी है जिसमें अच्छा इफेक्ट डेफिनेटली दिखा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टडी नहीं है जिससे हम लोग एक कंक्लूजन पे आ सके कि क्या एंटीबायोटिक लेना एंकिलोजिंग में फायदे में हो सकता है। प्रीबायोटिक्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, तो ये फाइबर है जिसे मानव का शरीर पचा नहीं सकता है। ये छोटी आंतड़ी से गुजरता है और फिर बड़ी आंतड़ी में पहुंच जाता है। जैसे मैंने कहा, इसको पचाया नहीं जाता है, तो वही जैसा है वैसे ही वो बड़ी आंतड़ी में चला जाता है। वहां पे वो फर्मेंट हो जाता है, और जो फर्मेंट होने के बाद प्रोडक्ट्स है वो जीवाणुओं के लिए खाने की तरह काम आते हैं। तो इसके वजह से जो अच्छे जीवाणु है, ऐसा कहा जाता है कि प्रीबायोटिक से अच्छे जीवाणुओं की संख्या बढ़ने में मदद होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में खाने में कौन से ऐसे चीजें हैं जिनसे जो प्रीबायोटिक जैसे काम करती है, तो जौ, प्याज, छिलके के साथ वाला सेब, दलिया, शतावरी, केला, कच्चा लहसुन, ये नेचुरली अकरिंग प्रीबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, तो प्रोबायोटिक्स एक्चुअली जीवाणु है जो देने से आदमी को स्वास्थ्य में फायदा हो सकता है,
लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम करके जीवाणु है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं इसके लिए। इनसे फायदा क्या होता है? तो जो रोगजनक जीवाणु है उनकी संख्या ये जीवाणु कम कर सकते हैं, और इनसे जो बनने वाले केमिकल्स है वो भी संख्या कम होने की वजह से कम हो जाते हैं। तो ऐसे एक आइडिया थी किसी की कि इनसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक हो सकता है, और इसी के लिए इसके बारे में कुछ स्टडीज किए गए। लेकिन एक 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 स्टडी जो है मैंने यहाँ पे दर्शाई हुई है, लेकिन ये स्टडीज से प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कुछ बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आया। तो ऑल इन ऑल प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स कुछ स्टडीज में तो डेफिनेटली उनका ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखा है, और एंटीबायोटिक एक दो ही स्टडी है जिनमें फर्क दिखा है, उसका कंक्लूसिव कि हमें यूज करना है क्या नहीं करना है उसके लिए और थोड़े स्टडीज जरूर लगेंगे। धन्यवाद वॉरियर्स, धन्यवाद इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए। मुस्कुराते रहिए, जरूर मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते। धन्यवाद।